खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज सुबह फिर खुदा के जिंदा अलहाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। वाइस की किताब 11 बाब और उसकी 9वीं आयत। आए जवान अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहलाओ और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अजीज बहनों और भाइयों, सुलेमान बादशाह हिकमत का, अगर हम कहें ना, हिकमत का वो मंबा था। हिकमत उससे टपकती थी। तो ये गैर मौजू नहीं होगा। खुदावंद ने इस बंदा को अजीम हिकमत से नवाजा हुआ था और एक बड़े और जलाली काम के लिए खुदा ने इसको चुना था। लेकिन इसने अपना जो वकार है, अपना जो इसने काम है, वो बेजा शादियों में और उन बेजा शादियों के वसीला से बुतपरस्ती, नफरती काम जो खुदा को पसंद नहीं है, वो इसके वसीला से हुए। तो मेरे बहन भाइयों, आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि आए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, जो कुछ तेरे मन में है वो तू कर, और जो तू कर रहा है उसको सिर्फ बस देख ले कि क्या कर रहा है। क्योंकि जवानी में जो खुशी है वो खुदा में होनी चाहिए। क्योंकि 127 में लिखा है कि जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर हैं। मेरे अजीजों, ये जवान जो अपनी जवानी के दिन गैर मौजू और मायूब चीज़ों में, हकारत की चीज़ों में, बदी की चीज़ों में गुजारते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। उसका अंजाम अदालत। लेकिन यही जवान अगर दाऊद बादशाह की तरह किसी रूहानी गैरत में आकर किसी जाति जुलियत का मुकाबला कर ले, क्योंकि इस वक्त में जाति जुलियत बाहर नहीं है, इस वक्त जाति जुलियत इंसान के अंदर है, जो उसी शख्स को, जो वो शख्स जो वहां मौजूद होता है, एक नौजवान जो मौजूद होता है, उसी को वो बर्बाद करता है। मिसाल के तौर पे जब एक नौजवान खुदा के घर की बजाय किसी जुए में, किसी नफरती कामों में, शराब नोशी में, बदी की हालत में, नापाकी की हालत में और तरह तरह के कामों में अपना वक्त गुजार देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जाति जोलियत के बिल्कुल बराबर है। सो हमें इस बात को समझना है कि अब जाति जोलियत इंसान के हालात में या वाकयात में बाहर नहीं है, ये जाति जुलियत अब इंसान के अंदर, बिल्कुल उसके अंदर बस रहा है। सो हमें इस जाति जुलियत का मुकाबला करना है और खुदावंद में खुश रहना है। जैसे पालूस रसूल कहते हैं ना कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। लेकिन हमारे बहन भाई, हमारे अजीज, हमारे लोग एक बड़ी खूबसूरत आयत हम तक पहुंचाते हैं।
खुशी के वक्त खुश होना है, रोने के वक्त रोना है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जब खुश हों तो फिर हम किसी बदी में आकर खुश हों, ऐसा नहीं है। खुशी का मतलब खुदावंद में खुश है, खुशी का मतलब खुदावंद में रहना है, हालात में खुश नहीं होना। फिर इन सारे अयाम में तू अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। मेरे बहन भाइयों, जो इन अयाम में दिल की बात सुनते हैं, दिल जो कि यर्मिया के सहीफा में लिखा है कि दिल ला इलाज और हीले बाज है, दिल की बात सुनते हैं, रूहुल कुस की बात नहीं सुनते, पाखरू के बारे में समझना नहीं चाहते, तो फिर उनको अदालत में लाया जाएगा। अदालत उनके लिए तैयार है, अदालत का हौलनाक दिन उनके लिए तैयार है। लेकिन जो अय्यूब की तरह अपनी आंखों से अहद करते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अहद किया है कभी किसी कुंवारी लड़की पे मेरी नजर ही ना पड़े, ये सब चीजें खुल्लम खुल्ला अय्याम हैं, बरकत के साथ अय्याम हैं। खुदा अपनी कुदरत को, खुदा अपने रहम को हम पे नाजल करना चाहता है, वो हमारी आंखों को पाक रखना चाहता है, हमारे दिल को पाक रखना चाहता है, इसीलिए तो खुदा हमसे बात करता है। आंखों को पाक, सोचों को पाक, और अगर राहों को पाक नहीं है तो इंसान तो अब लिखा है कि लोग पांव से बातें करते हैं, राह चलते पांव से बातें, कौन पांव की जुबान होती है, लेकिन ये पांव रास्ते की बातें नहीं बदी की बातें करता है। इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें इसलिए नुकसानदेह हैं कि हम खुदावंद में रहकर, खुदावंद के जलाल में रहकर अपनी जवानी के दिन गुजारें। और जब अदालत का दिन होगा, खुदावंद यीशु मसीह तख्त अदालत पर बैठेंगे। मत्ती की इंजील के 26 बाब में लिखा है कि वो बकरियों को भेड़ों से जुदा करेगा और भेड़ों को तो कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास आओ, और जो बकरियां हैं उनको खुदावन कहेगा ए मलाउनों मेरे सामने से दूर हो जाओ। और दुनिया की अदालत में भी जिसको बरी किया जाता है, मुआफ किया जाता है, उसको इज्जत के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जिसको सजा होती है उसको सभी हकारत की नजर से देखते हैं। ये अदालत का दस्तूर है, उसको हथकड़ी है, पुलिस के हवाले है, पता नहीं किस किस तरह से उसको लेकर जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जवानी के दिनों को बड़ी बरकत के साथ गुजारना है। और पौलुस रसूल तो तिमोथियुस के खत में कहता है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग जा, दूर चला जा। दूसरे तिमोथियुस की दूसरे बाब की अगर हम 22 आयत से पढ़े तो जो कहता है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। ये सब चीजें पौलुस रसूल की नसीहत है।
और यहां पर नसीहत है सुलेमान बादशाह की। मेरे अजीजों, मेरे प्यारो, खुदावंद आज हमसे यही बात तो चाहते हैं कि जवानी की उन सारी ख्वाहिशों को, बेवकूफ़ी की बातों को, नफरत की बातों को हम खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें, ताकि खुदा का चेहरा, खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में कसरत से नाजिल हो। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन।